नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पिछले दो दिनों में दो बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं। पहली, लालू और नीतीश के गढ़ में घुसकर इन्हें ललकारते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जातिगत जनगणना वाला पूरा नैरेटिव बदल दिया है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार में जाति सर्वे करने का फैसला जब हुआ वहां बीजेपी की सरकार थी और हिस्सेदार थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने लालू यादव के प्रेशर में, दबाव में यादव और मुसलमानों की आबादी को बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया और साथ ही अति पिछड़ा और पिछड़ा की आबादी को घटाकर दिखा दिया। अमित शाह के इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। लेकिन दूसरी बड़ी घटना चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में हुई है, जहां विपक्षी गठबंधन के बड़े साझेदार अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ते हुए कहा है, और क्या कहा है गौर से सुनिए, कांग्रेस को कभी वोट मत देना क्योंकि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। अगर कांग्रेस मुझे धोखा दे सकती है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो जनता जनार्दन के साथ क्या कुछ कर सकती है। इतना ही नहीं, जाति वाली जनगणना की पोल खोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि वोटों की लालसा में, वोटों की लालच में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दांव चला। यानी जो बात अब तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, कई और दल कह रहे थे, उसे खुद अखिलेश यादव ने मोहर लगा दिया है। तो आज इसी बड़े पॉलिटिकल मुद्दे पर होगी देश की बड़ी राजनीतिक बहस। पिछड़ों से धोखा, MY को मौका, आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। जाति वाली जनगणना के नाम पर 2024 में सत्ता का सपना देख रहे विपक्ष पर अमित शाह ने जोरदार प्रहार किया है और इस पूरे समीकरण का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को न्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। इंडी एडायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा। समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टिकरण का काम किया है। अमित शाह का बयान आते ही जातिगत जनगणना का ढोल पीटने वाले बेचैन हो गए। अगर इतना ही गलत अगर हुआ है तो देश भर में करा ले, कौन रोक रहा है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहाँ भी करवा ले जाति जनगणना। लालू जी के दबाव में कुछ जातियों की संख्या बढ़ा दी गई और जो अति पिछड़ा समाज है, जिसको आप कहें कि 36% है, वो 36 से काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग न होने से आग बबूला हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला कर दिया। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के मंथन हुआ? कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है, उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। तो सवाल है कि जाति वाली जनगणना से लेकर गठबंधन तक विपक्ष का हर प्लान चकनाचूर हो रहा है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, आइए नजर डाल लेते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, गठबंधन की बिगड़ती चाल का विश्लेषण। जातिगत जनगणना, चाहा क्या, हुआ क्या? पिछड़े वोट के साथ को साथ लाने की कोशिश, अमित शाह ने विपक्ष की पोल को खोला। देश भर में जातिगत जनगणना की मांग पर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश थी, ये चाहा, लेकिन हुआ क्या? यादव मुस्लिम की संख्या बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बड़ी बात, अखिलेश बोले वोट के लिए जातिगत जनगणना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। बढ़ता हूं मैं आगे, महागठबंधन, चाहा क्या, हुआ क्या? 2024 में बीजेपी के खिलाफ
मजबूत विकल्प तैयार करने का प्लान हुआ क्या? नीतीश अखिलेश जैसे नेता कांग्रेस के बर्ताव से नाराज है और कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच अलग है, दिशा अलग है और मानसिकता अलग है। बर्ताव में आगे सीट शेयरिंग कर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला करने की चाह थी, लेकिन हो क्या रहा है? लोकसभा के साथ दिखने से पहले ही राज्यों में दो दो हाथ चल रहे हैं। एक सुर एक ताल में एकजुट दिखाने की कोशिश थी, लेकिन केजरीवाल दिल्ली पंजाब में तो अखिलेश यूपी में कांग्रेस को भाव देने के मूड में नहीं है। बर्ताव में आगे बड़ा सवाल यह है, अब क्या गठबंधन की गाड़ी अपना रास्ता भटक चुकी है? जिस गठबंधन का इंडिया अलायंस का अभी यह हाल है, तो सोचिए लोकसभा चुनाव में जाने से पहले हश्र और हाल क्या होगा, और चुनाव के बाद खुदा न खास्ता सरकार बन गई तो फिर हश्र क्या होगा, हाल क्या होगा? मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन है आइए देख लेते हैं। मैजिक पॉल पे विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, लेफ्ट के आइडियोलॉग मेरे साथ असीम वकार है प्रवक्ता AIIMIM के, मेरे साथ रोहित अग्रवाल है प्रवक्ता RLD के, मेरे साथ गौरव भाटिया है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं शुरुआत में 60-60 सेकंड आप सबको दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। मेरा निवेदन है कि दूसरे को शालीनता से और शांति से जरूर धैर्यपूर्वक जरूर सुनिएगा। शुरुआत आपसे करते हैं विवेक जी, और आपसे मैं जानता हूं ये कैसे क्या हो गया। खाए थी कसमें प्यार मोहब्बत की, लेकिन वादा खिलाफी, धोखा और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखिए ऐसा है, ये सब जो हमारा INDA का गठबंधन है, लोकसभा की तिथि आते आते आप देखेंगे सब एक साथ होंगे। अभी जो हो रहा है सिर्फ ये टेम्पररी फेज है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी अपने गेम में फेल हो गई। जब कास्ट सेंसस की बात हुई तो पहले इन्होंने उसको बोला कि साहब ये तो करना ही गलत है। इन्होंने धर्म गुरुओं को जो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करते हैं मीडिया में और अन्य तरीके से लगा दिया सर्विस के ऊपर, और बोलने लगे कि हिंदू तो साहब एक है, ये तो अंग्रेज आए थे तब जातियां बनी, इसलिए जाति का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने दिया है। तो जब ये उसमें फेल हो गए और जब ये सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्होंने रियलाइज किया कि जाति एक 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 फैक्ट है, एक फैक्टर है, हिंदू धर्म की कुरीति रही है, दलितों को दबाया गया, तो गेम चेंज करने की कोशिश है। अब ये कह रहे हैं साहब नहीं, ये तो हमने करवाया था कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे तो हम करवाएंगे, तो करवाइए ना। तो ये अमित शाह बैकफुट पे आ गए हैं, और ये वहां पे जाकर बैकफुट पे आ गए हैं, तो अब ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। 50 सेकंड आपके हो गए, तो ये बेसिक बात है जी। 50 सेकंड आपके हो गए। गौरव भाटिया आपकी टर्न है, आपको मैं मौका देता हूं अपनी बात को रखने का, 50 सेकंड आपके पास है। और क्योंकि गौरव भाटिया के विरोध में दो दल है तो बराबर का मौका सबको मिलना चाहिए। गौरव भाटिया सीधा सवाल है आपसे, वो कह रहे हैं कि आप अपने प्लान में फेल हो गए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कुछ पत्ते खोल दिए हैं, कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना वोट के चक्कर में करा रही है और जो हमें धोखा दे सकती है वो आपको नहीं देगी, यानी जनता को नहीं देगी धोखा। गौरव देखिए अमी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अखिलेश यादव जी ने अपनी ताश के पत्ते खोले, 52 पत्ते खोले, उसमें से एक जोकर भी निकला, और वो जोकर वो था जिसके लिए अखिलेश यादव ने आज ही कहा है कि भैया कांग्रेस पार्टी पे यकीन न करना, बहुत ही चालू पार्टी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, अरे चिरकुट नेता है जो प्रदेश अध्यक्ष के हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में, और राम गोपाल यादव जी ने बोला छुटपुट नेताओं की बात ना करना, तो ये तो एक ताश के पत्ते खुले। इधर कांग्रेस के ताश के पत्ते भी खुले थे। कमलनाथ ने बोला अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश, कहां पड़े हो चक्कर में अखिलेश वखिलेश। सोचिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, बड़ा दर्द होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री कहे वखिलेश। जी जी, अरे सम्मान के लिए राजनीति में है, जनता की सेवा करने के लिए है, लेकिन अखिलेश यादव की इज्जत तो कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी खुद नहीं कर रही है, और अजय राय ने तो हद ही कर दी। ठीक है, अजय राय ने तो कहा जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। 60 सेकंड मैं तो ये कहूंगा, इस तरह की टिप्पणी अगर की जा रही है जी जी जी, तो अपने सम्मान को आगे मौका दूंगा। गौरव अभी 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 60 सेकंड, अभी 60 सेकंड हो गए, 70 सेकंड हो गए, यू मेड योर पॉइंट। ओके रोहित अग्रवाल, मैं आपका रुख करता हूँ और फिर मैं असीम वकार आपकी बताऊंगा। रोहित अग्रवाल, कल तक बीजेपी कहती थी तो बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, अब तो आपके अलायंस के घटक दल कह रहे हैं
तो क्या वो भी धोखा दे रहे हैं? कल तक आप असीम वकार को बोलते थे, जब असीम वकार बोलते थे कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस का कुछ नहीं होने वाला, तब आप उनको भी कहते थे ये बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, कोई जो भी टीम आप बोलते थे, लेकिन अब बी सी डी ई एफ जी एच, ये कौन सी टीम है, कौन सी टीम खेल रही है? मैं आपसे रोहित जी जानना चाह रहा हूं, आराम से जवाब दीजिए, 60 सेकंड है आपके पास। देखिए सबसे पहले तो अब एक बात सबसे पहले क्लियर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीयत है ना नीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अभी कल तक ये कह रही थी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और अब अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी कौन है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। उसके बाद अगर वो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो हमने ही करवानी थी, हमारी सरकार चली गई इसलिए हम नहीं करवा पाए, तो पहले तो डिसाइड कर लो भैया जातिगत जनगणना करानी है कि नहीं करानी है, सही है कि गलत है। तो आपके पास तो ना नीयत है ना नीति है, आप तो विपक्ष की नीतियों के ऊपर आप काम करना चाहते हो। विपक्ष ने अगर ये पॉइंट पकड़ा कि आप तुरंत दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ आप अत्याचार कर रहे हो और उनके हक को मार रहे हो, आप पहले तो चिल्लाते रहे नहीं जी हम सब सही कर रहे हैं, अब आप इस चीज को खुद मान रहे हो कि हाँ हमने अत्याचार किया है और जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो चलिए स्वागत है, कम से कम आप हमारी बात को समझे तो, क्योंकि जनता की बात तो आपने समझी नहीं। भाई आप किस पे बात करते हो? आपको इंडिया अलायंस की ज्यादा चिंता है, पर आप इस पे बात नहीं करते हो कि महंगाई से जनता कहरा रही है, आप इस पे बात नहीं करते हो कि भ्रष्टाचार आपका चरम पे है, आप इस पे बात नहीं करते हो कि महिला उत्पीड़न आपकी सरकार के चरम पे है। 65 सेकंड ले लिया आपने भी अपनी बात को रखने में। एक आपके जवाब से मुझे एक बात याद आई और एक मुहावरा याद आया, पतली गली से निकलना। सवाल क्या पूछा और पतली गली से आप कैसे निकल गए वो जरूर मुझे याद आया, आगे आपको मौका मिलेगा तो जवाब दीजिएगा आप जरूर। लेकिन असीम वकार मैं आपके पास आता हूं, आज आप खुश नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है जो हम कह रहे थे खुद आज अखिलेश जी कह रहे हैं और रोहित जी के पास तो जवाब भी नहीं है, तो आपकी मुस्कुराहट कई सारे जवाब दे रही है। सर हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं जी, हमारा एक फार्मूला है कि हंसते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, जो घट गया है उसको भूल जाइए, जो होने वाला है उसकी तैयारी कीजिए। ये अमित शाह साहब ने कहा कि हम तो जातिगत जनगणना कराना चाह रहे थे, तो खाली बिहार में थोड़ी ना, आपकी सरकार तो बहुत सी स्टेट में है जी, लगभग 12-13 स्टेट में है, आप कराइए वहां, कौन मना कर रहा है आपको? खाली बिहार में ही कराना चाह रहे थे आप और बाकी जगह नहीं कराना चाह रहे थे? ये सवाल देश पूछ रहा है, देश के जो पिछड़े अति पिछड़े आदिवासी दलित, ये सवाल पूछ रहे हैं अमित शाह साहब से कि खाली जाति का जनगणना बिहार में आपको क्यों याद आ रही है, मध्य प्रदेश में क्यों याद नहीं आ रही है, बाकी और जगह पर याद क्यों नहीं आ रही है, जहां जहां आपकी सरकार है वहां याद क्यों नहीं आ रही है? जी जी सर, अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं, उनकी इस बयान से कि जातिगत जनगणना कराना चाह रहे हैं उससे एक बहुत बड़ा सा सहूलत मिली आप लोगों को जी, मीडिया के लोगों को, कि अभी तक आप लोग विरोध कर रहे थे, अब आप लोग आकर लाइन में खड़े हो गए। 60 सेकंड अगर पूरे हो गए हो तो मैं चुप हो जाऊं, 60 सेकंड कंप्लीट हो गए, 60 सेकंड से ऊपर 5 सेकंड हो गए, मैं फिर आगे आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया रिप्लाई, असीम वकार ने एक वाजिब बात बोली, उन्होंने बोला देश भर में आपकी कई सारी सरकारें हैं, कई प्रदेशों में सरकारें हैं, देश में सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, तो आपके पास तो मौका ही मौका है, तो वहां क्यों नहीं करवा लेते जहां पर फुल फ्लेज आपकी सरकार है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश में करा लीजिए, कौन रोकता है आपको? अमित जी मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं, आपने आज जब इंट्रोडक्शन दिया तो कहा एम वाई, अभी स्क्रीन पे भी चल रहा है, इनके लिए एम वाई राजनीति क्या है? मुसलमानों की और यादवों की, और नरेंद्र मोदी जी ने एक नई परिभाषा जड़ी है, वो क्या है? वो परिभाषा है म से महिला और वाई से यूथ, महिला और यूथ, युवाओं को सशक्तिकरण करना, उनके सम्मान की रक्षा करना, उनको आगे बढ़ाना और मुख्य धारा से जोड़ना। लेकिन देखिए जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और केवल धार्मिक ग्रंथ कुरान पढ़ेंगे तो यही होता है। इन्होंने एक बात उठाई, इन्होंने कहा एक प्रदेश में क्यों कराएंगे, सभी प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराएं।
पहले तो जातिगत जनगणना और सर्वे का फर्क जानिए। जातिगत जनगणना जो है वो केंद्र की सरकार कराती है और सर्वे प्रदेश की सरकार कराती है। और इनको ये भी तथ्य नहीं पता है कि ये जो बिहार ने जातिगत सर्वे कराया अमीर जी, जी तो जी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ही ये निर्णय था। ये निर्णय लालू प्रसाद यादव का नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो है उस सरकार का हिस्सा नहीं थे। और लालू प्रसाद यादव का परिवार हो या आरएलडी का परिवार हो या समाजवादी पार्टी का परिवार हो या एआईएमआईएम का परिवार हो, मैं तो आपके चैनल पे चुनौती दे रहा हूं, अपने परिवार के बाहर के सदस्य को जवाब अध्यक्ष नहीं बना पाए। ये लोग जातिगत जनगणना कराएंगे, ये लोग ओबीसी को आगे बढ़ाएंगे। अरे आप बताइए एआईएमआईएम में कौन है भैया? जवाब परिवार का कोई नहीं। आसिफ वकार जवाब। देखिए एमवाई दिख गया इनको। देखिए एमवाई आपने नाम दिया, ये कह रहे हैं मैंने नहीं दिया एमवाई फार्मूला। अमित शाह ने यही बोला, अमित शाह ने यही बोला कि एमवाई का समीकरण बढ़ा दिया गया है, यानी उनकी जनसंख्या को बढ़ा दिया गया है। नहीं नहीं सर, सर कितनी देर लगती है भारतीय जनता पार्टी को दूसरों के नामों पर और दूसरों के कामों पर कब्जा करने में? जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ की मेट्रो पे कब्जा कर लिया, जिस तरह से एक्सप्रेस वे पे कब्जा कर लिया, वैसे एक सेकंड लगेगा एमवाई को। मोदी एंड योगी, एमवाई जी, मोदी योगी, एमवाई हो गया कब्जा। सर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात है, एक लाइन में कब्जा करते हैं धड़ाम से सब कुछ इनका। मैंने देखिए बहुत छोटी सी बात कही थी कि भारत सरकार चाहे तो जातिगत जनगणना करा सकती है और बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो चाहे तो जातिगत सर्वे करा सकती हैं। खाली बिहार को क्यों रह रहे हैं आप? यूपी में क्यों नहीं करा रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करा रहे हैं? सर सर सर, अगर आप जाति के खिलाफ हैं और आपकी नज़र में सब हिंदू हैं, तो पल्लवी पटेल को आपने जाति के आधार पर बनाया है, रामदास अठावले को आपने जाति के आधार पर बनाया है, सर ओम प्रकाश राजभर को आप जाति के आधार पर लिए हुए हैं, संजय निषाद को जाति के आधार पर लिए हैं जी, दारा सिंह चौहान को जाति के आधार पर आप लेकर आए हैं। मैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनाब योगी आदित्यनाथ जी जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अगर जाति खत्म कर देंगे सर, योगी आदित्यनाथ तो महंत, योगी आदित्यनाथ की कोई जाति नहीं, योगी आदित्यनाथ एक महंत है, एक महंत है। और जब व्यक्ति महंत हो जाता है तो उसकी जात नहीं रहती, उसकी जाति नहीं रहती। सर अक्सर कहा जाता है जात तो पूछो साधो। सर सुन तो लीजिए। जी जी जी, 10 सेकंड दिन गौरव भाटिया वेटिंग। अरे सर सर, योगी जी खुश हो गए होंगे आपकी बात सुनकर कि कोई तो है उनकी पैरवी करने वाला जो उनकी बात कर रहा है बिना मतलब अपॉइंट किए हुए। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर जातीय समीकरण खत्म कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान से खूबसूरती खत्म होगी और एक जाति विशेष का सब कुर्सियों पर, सारी कुर्सियों पर कब्जा हो जाएगा जी। अगर सारी कुर्सियों पर एक जाति को बिठाना चाहते हैं तो आप अमित शाह साहब की बात मान लीजिए, वरना अगर आप अपनी अपनी इलाकों की अगर आप तरक्की चाहते हैं तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। मुस्लिम यादव सपा का भी कॉम्बिनेशन है, लालू यादव का भी कॉम्बिनेशन है, इसमें तो कोई दोराय नहीं, और आज से नहीं है, काफी वर्षों से है। गौरव भाटिया देखिए ऐसा है कि पहले मैं कुछ बातें तथ्य रख दूं जिनकी काट इनके पास नहीं होगी। भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे आगे बढ़ाया और जनता ने उन्हें चुना। ओबीसी प्रधानमंत्री बिना, कांग्रेस ने तो कभी ओबीसी प्रधानमंत्री दिया नहीं। हमारी जो सरकार है केंद्र में 29 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, और ये भी सच्चाई है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने, और 29% जो सांसद हैं वो भी ओबीसी हैं। लेकिन आपको जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, हाथ में AIMIM का संविधान है मेरे, ये मेरे हाथ में है अमी जी, नाम में मुस्लिमीन है, क्यों नहीं नाम में पिछड़ा वर्ग भी रख देते हैं अगर इतने बड़े हितैषी। और दूसरा, इस संविधान में पता है क्या लिखा है? एक लाइन सारे दर्शकों को पढ़नी चाहिए,
कैसी कपटी पार्टी है इनकी। इन्होंने लिखा है कि हम लोग अग्रसर रहेंगे कि मुसलमानों में एकता बढ़े, ये नहीं लिखा कि भारतीयों में एकता बढ़े। इनका संविधान काफी पढ़ने का गौरव जी, सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनमें एकता बढ़े है? मैं कह रहा हूं इनका संविधान काफी पढ़ रहे हैं आप। कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं आप AIMIM मैं पढ़ने लिखने का आदि हूं ना, ये तो कुरान पढ़ते हैं, मैं संविधान पढ़ता हूं जी। मैं कहता हूं भारत का संविधान पढ़ो, सबका संविधान पढ़ो, ये लोग पढ़ते हैं सऊदी अरेबिया का या ये पढ़ेंगे कुरान, अरे हम पढ़ेंगे संविधान, यही तो फर्क है। इसीलिए तो ये लगा रहे हैं ध्यान, क्योंकि इनका पढ़ रहा हूं संविधान जी। लेकिन ये सवाल पूछिए, केवल मुसलमानों की एकता, बाकी पिछड़े, महिलाएं, बाकी धर्म के जवाब 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 विवेक विवेक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक 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 श्रीवास्तव मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन असीम बकार 20 सेकंड, असीम बकार 20 सेकंड, 20 सेकंड रिप्लाई, शार्प रिप्लाई। देखिए मैंने तीन बार एक ही बात पूछी कि भारत की सरकार अगर जातिगत जनगणना के समर्थन में है तो आदेश पारित कर दे। हमने भी तो कुछ संविधान दिखा दिया, खानदान दिखा दिया, फैमिली दिखा दी, सऊदी अरब ले आए अपने संविधान, इस बात का जवाब नहीं है, ये डर बता रहा है आजकल। अच्छा डर बताता है, ये डर मैं समझ गया, गाजा में हमास के संविधान को पढ़ रहे हो वैसी जी आजकल। नहीं नहीं बोलो आप, मेरा सवाल था, उस सवाल का उत्तर दे दे। अच्छा ये बताइए, अरे सर मैं जवाब दे रहा हूँ आपका, आप क्यों, आप तो वकील साहब हैं, आपको तो हम लोग से ज्यादा तरीका मालूम है बहस का। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब देश में जातीय जनगणना की परमिशन देंगे? मैं खाली सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या ना, जवाब जवाब करो, गौरव गौरव 10 सेकंड 10 सेकंड रिप्लाई देन विवेक श्रीवास्तव, वेटिंग वेटिंग विवेक श्रीवास्तव। नहीं नहीं मैं उत्तर दूंगा, पहले मेरे 10 सेकंड में 5 सेकंड दीजिए। इनके संविधान में केवल मुस्लिम एकता की बात क्यों है, क्या ये संविधान विपरीत नहीं? और उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, बताइए। मैं अपने 5 सेकंड दे रहा हूँ, बताइए भाई, 5 सेकंड लीजिए, बताइए। अरे सर गौरव जी को पहले बता दिया होता आपने कि आज जातिगत जनगणना पे बहस है, MIM के संविधान पे नहीं है। अब ऐसे आप प्रवक्ता जी हमारे माशाल्लाह इतने तेज तर्रार प्रवक्ता है, बढ़िया प्रवक्ता है, और जवाब भी दे पा रहे बेचारे। अरे मैं दूंगा, लेकिन आप तो दे दीजिए, गृह मंत्री जी जनगणना के फेवर में है या नहीं, जातीय जनगणना कराएंगे या नहीं कराएंगे? संविधान पढ़ रहे थे, AIMIM का पढ़ना भूल गए। अच्छा देखिए आपकी पार्टी का संविधान भी मैंने अध्ययन किया, योगी जी कुछ तो तारीफ करिए, जातिगत सर्वे कराएंगे कि नहीं कराएंगे? योगी जी से बड़ा डर लगता है। अच्छा योगी जी से बड़ा डर लगने लगा आप लोगों को, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इनको लगता है योगी जी का बुलडोजर कहीं रजाकारों को ना दबा दे। हाँ अच्छा है, अच्छा है, वो ऐसी देखा एक ख्वाब, देश आपको देख रहा हूं, सब हंस रहे हैं आपके ऊपर जी जी जी, सब हंस रहे हैं आपके ऊपर जी, इतना मजबूर प्रवक्ता भाई। अरे हम अरे विवेक विवेक श्रीवास्तव गौरव गौरव शांत गौरव 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 शांत करते हो विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव आपने एक फिल्म आई होगी, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की और रेखा की, सिलसिला देखी होगी आपने, हाँ या ना विवेक जी? जी 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 बिल्कुल देखा, बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, यश चोपड़ा, स्वर्गीय यश चोपड़ा ने बनाई थी जहां तक मुझे ध्यान है, बहुत 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 सुपरहिट फिल्म थी। उसमें एक गाना था देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए जब इंडिया बनाने का यानी ये अलायंस बनाने का ख्वाब देखा तो कई सारे सिलसिले हुए, लेकिन अब धोखे भी हुए जी जी। अब मैं थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब बोलता हूं जी जी, पहली जी बिल्कुल उसका भी जवाब दे रहा हूं मैं, पहले मैं गौरव की बात पे थोड़ा सा टिप्पणी कर दूं। देखिए औरों का संविधान तो आपने देखा, लेकिन RSS किस चीज के लिए स्टैंड करता है, संघ परिवार किसके लिए स्टैंड करता है, क्या डिविजिव पॉलिसी है, 5 से 6 हजार पुरानी संस्कृति, हर मस्जिद को कुरेद कुरेद के तोड़ना और पता करना और खड़ा करना माइनॉरिटीज को, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, इस हेट्रेड के लिए कौन सी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, क्या देश के अंदर लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे, इसके बारे में भी तो सोचिए ना गौरव जी, कि भाजपा ने आज देश के अंदर
अलग अलग एक्टिविटीज करके क्या हाल कर दिया है। विवेक जी, आप देश की बात करें, आपके अलायंस में, आपके अलायंस में एक दूसरे में कोई भरोसा नहीं कर रहा। आप देश की बात करें, आपके अलायंस में एक दूसरे में कोई भरोसा नहीं कर रहा जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कह रहे हैं हम आपके हैं कौन। किसी अन्य पार्टी का संविधान चैलेंज कर रहे थे, हाँ, तो मैंने इनको आईना दिखाया पहले कि खुद का आईना देखो, संघ परिवार कर क्या रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, अलायंस के ऊपर। सर, 2004 में जब गया था, जब इंडिया शाइनिंग का एक जबरदस्त कैंपेन जिसमें बहुत पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खर्चा था, तो मैं आपको वही कार्यकाल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज भी वही हो रहा है। ये जो छोटी मोटे उठक बैठक लड़ाइयां या स्टेटमेंट्स आपको दिख रही हैं, ये सिर्फ प्री पोल की खींचातानी है। आप देखेंगे 2024 के पहले लोग लड़ेंगे, कुछ प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे, और आप देखेंगे जैसे 2004 में प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर्ड नहीं था वाजपेयी जी के सामने, और जीतने के बाद कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई, उन्होंने मनमोहन सिंह को नॉमिनेट किया, लेफ्ट और अन्य घटक दलों ने समर्थन दिया था। ठीक है, 2024 में मनमोहन सिंह की तरह एक प्रधानमंत्री निकल के आएगा, आप कह रहे विपक्ष का, ओके जी बिल्कुल आएगा, जी 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 बिल्कुल। गौरव भाटिया, आपकी सरकार जब से आई है, आरएसएस की विचारधारा जब से देश में आई है, तो लोगों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, समस्याएं बढ़ती जा रही है, नफरत फैलती जा रही है। हाँ, मैं दोनों बात का उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये वो लेफ्ट वाले हैं, पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव हुए अमीर जी, और ये लेफ्ट वाले जाके बैठ गए कांग्रेस की गोदी में। इनको लगा कि बहुत अप्रत्याशित जीत होगी, डाइवर्ट कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, इनको मिला अंडा, और बताते हो उसके बाद एक ऑमलेट की दुकान बनाई हुई है, वहाँ अंडे फोड़ते हैं। और दूसरी बात, आरएसएस से ये बात करेंगे, आरएसएस कौन है पहले जान लो, आरएसएस के पैर की धूल नहीं हो लेफ्ट। पता है क्यों? 1962 में चीन से युद्ध हुआ, आरएसएस ने ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया, आरएसएस के और यहाँ वामपंथी राजनीति भैया तब से है, 1947 के पहले से, जब हमारे कॉमरेड भगत आपके अंदर ये लेनिन की आत्मा क्यों आ जाती है, माफीनामा लिख रहे थे, आपके अंदर लेनिन की आत्मा क्यों आ जाती है, या कार्ल मार्क्स आ गया, वही मेरे आदर्श हैं और उन्हीं को मानता हूं सर। मैं एक बात बताइए, आप बताइए, फांसी पर चढ़ने से पहले आखिरी पुस्तक लेनिन पर पढ़ रहे थे, तीर चलाया है वो इनकी सही जगह पे लग चुका है, अच्छा लगा मुझे। अब बात सही जगह पे नहीं लगा, आरएसएस को उभार देखेंगे एक दिन आपकी विचारधारा को। अच्छा चलिए, अभी तो लोग फूंक मार रहे हैं और आप चीन में जाके गिर रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं, कोई बात नहीं, ये स्टेजेस आते हैं, हमने एक से एक देखा है, कम्युनिस्टों ने तो हिटलर को भी समाप्त किया। विवेक 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 जी, आप भी 30 सेकंड शांत हो जाइए। गौरव भाटिया 30 सेकंड अपनी बात को रख ले। गौरव, ठीक ठीक, धन्यवाद। देखिए, एक तथ्य रख के तुलनात्मक एक बात कह देता हूँ, 1962 का युद्ध हुआ चीन से, हम सब जानते हैं आरएसएस के जो स्वयं सेवक थे उन्होंने खून दिया, ऐसी सेवा करी राष्ट्रभक्ति से पूरी तरह से जुट के कि 1963 की जो गणतंत्र दिवस की परेड थी, ये कोई भाजपा की सरकार तब नहीं थी, लेकिन उनको निमंत्रण दिया गया, और ये गद्दार ये कह रहे थे भारत के जवानों को खून मत देना, क्योंकि ये दीमक जाके चीन से मिल गए थे। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है कि कोई आपदा आए, कोई बाढ़ आए, हमेशा आरएसएस के लोग खड़े रहते हैं, वो सेवा करते हैं, और जी विवेक 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 देश सर्वोपरि है, और ये गद्दार यू गॉट योर 30 सेकंड्स गौरव भाटिया, यू गॉट योर 30 सेकंड्स मेरे सिर्फ मुझे बोलने दीजिए, और यहां से रिप्लाई भाई हो गया। गौरव जी, अब हमारी भी सुन लीजिए, विपक्ष को भी बोलने दीजिए थोड़ा। भगत सिंह, कॉमरेड भगत सिंह, जो फांसी के पहले आखिरी पुस्तक लेनिन की पढ़ रहे थे, और जिन्होंने कहा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के रखा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो था असली कॉमरेड, और वो है हमारे आदर्श। गोलियां खा के लड़े थे कम्युनिस्ट, और गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे लड़े थे, और आप लिख रहे थे माफीनामा, क्यों आप एक फ्रीडम फाइटर आरएसएस का बता दो तो नाम बदल दो। क्यों बोला? दूसरी चीज भारत के जवानों को खून नहीं दोगे? 36 साल रहे वेस्ट बंगाल में, चीन जाके तुमसे जाओ 20 साल त्रिपुरा, 10 साल मणिपुर, आज भी केरल में है, और वामपंथी कैडर पूरे देश में है, आप समझे? नूडल्स खाओगे तुम, जिस दिन गोली खाने का माला हो रहा है आजादी के लिए, हम लड़े थे, उस दिन बात करिए।
तो भगत सिंह यही बोलेंगे बातों में। नहीं नहीं, आप भगत सिंह जी पर चले गए, वो भी आगे चले गए, पहले चले गए, मैं 2023 पर लेके आ रहा हूँ। 2024 की बात करना चाह रहा हूँ, एक राजनीतिक आ जाता हूँ, 2024 के इलेक्शन की बात, तुम्हारी कभी आप देखेंगे की बात कर रहे थे विवेक जी, अब आप बोलेंगे 2024 पे हम देखेंगे कि सब लोग एक आएंगे। अब कुल मिलाकर वही बात है कि एक सपना देखा जाएगा कि हम सब एक हो जाएंगे, लेकिन अभी जो कहानी है उसकी तो बताइए ना, बात क्या है, क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव की धोखा है कांग्रेस को वोट देना? मैं बता देता हूं क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ बताइए। वो ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हटाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, गृह मंत्री ने जो बोला MY को बढ़ाया गया सर्वे में, अति पिछड़ों को घटाया गया, अरे भाई दो घटक दल हैं वहां पे, JDU का तो वोट बैंक ही अति पिछड़ा है। अब अमित शाह के कहने से थोड़ी ना चीजें मैनिपुलेट की गई है, वो हमारे गृह मंत्री हैं, बिना तथ्यों के सिर्फ इधर उधर की बातें करना चाहते जी, हैं जी, आप मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आइए देखते हैं ट्वीट मोटरोला के फोन से आलोक का, विपक्ष के लिए जातिगत जनगणना सिर्फ सत्ता की सीढ़ी है ये लिख रहे हैं, और सीधे तौर पर मोटरोला फोन से ये ट्वीट मैं देख रहा हूं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए आर पार। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, और इस समय की बड़ी खबर यह है आर पार के अंदर, ब्रेकिंग स्टोरी यह है, अखिलेश यादव का एक और कांग्रेस पे हमला आया है, और क्या बयान आया ये मैजिक बॉल पर देख लेते हैं। वो हमारे साथ यानी कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन नहीं चाहती है, कांग्रेस को PDA जवाब देगा। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब कांग्रेस के खिलाफ एक गठबंधन होगा जिसका नाम PDA होगा, यह समय की बड़ी खबर है। यानी कांग्रेस को जवाब, यानी क्या इंडिया अलायंस से बाहर निकलेंगे अखिलेश यादव, यह इस समय की बड़ी खबर है। वो हमारे साथ गठबंधन ही नहीं चाहते, और खबर यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी भी नाराज है कांग्रेस पार्टी से, जो कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को ED का नोटिस आने के बाद स्टैंड ले लिया गया, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, ये इस समय की बड़ी खबर है। लेकिन अखिलेश यादव ने एग्जैक्टली क्या बोला है, आइए सुन लेते हैं व्यूअर्स। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने, ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन PDA उनको जवाब देगा इस बार। PDA उनको जवाब देगा इस बार, और क्या माना जाए। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है, मेरे साथ असीम वकार है, मेरे साथ रोहित अग्रवाल है। रोहित अग्रवाल, क्या ये हम माना जाए कि अब इंडिया के खिलाफ एक गठबंधन बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है PDA जवाब देगा। रोहित अग्रवाल, 30 सेकंड। इंडिया के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही गठबंधन बना रखा है जिसका नाम है NDA, जिसके अंदर सारे राजनीतिक दल अपनी अपने राग लाप रहे हैं। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, राजभर कहते हैं जातिगत जनगणना चाहिए, तो और 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी भी इन्हीं के गठबंधन के अंदर हैं। तो इन्होंने तो पहले से ही गठबंधन जरा, अरे भाई हमारे लिए विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है तो उनके गठबंधन की चिंता भी तो कर ले, हम हमारे गठबंधन की लेकिन मैं आपसे हाँ, तो सवाल तो पूछ रहा हूं। अभी अभी, अभी गौरव भाटिया ने कहा MY, नहीं नहीं आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं अगर आप समय देंगे तो। MY अभी गौरव भाटिया ने अभी MY की व्याख्या की कि भारतीय जनता पार्टी के लिए MY जो है महिला और यूथ है,
तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लोगों के मैनिफेस्टो कॉपी करते करते अब टैगलाइन भी कॉपी कर रही है। खैर कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं आपके लिए महिला और यूथ है। अब जरा ये बताइए, महिला आरक्षण बिल जो आपने पास करवाया है वो लागू कब से होगा, क्योंकि 2026 तक तो आपकी ही नीति एक थी जिसके कारण परिसीमन नहीं हो सकता। अभी अखिलेश यादव की स्टेटमेंट पर आप कर किया और यूथ और यूथ रोजगार कब मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार की जो बात कह रहे थे कि परसों तक, पर आप पिछले हफ्ते की डिबेट में कह रहे थे, देखिए कोई ऐसी बात नहीं है, ये बीजेपी वालों की 2% की सोच है, यही बोला था ना आपने, यही बोला था ना बीजेपी वालों की 2% की सोच है, बिल्कुल यही कहा था ना आपने, शब्द मेरे ये अब 2% की सोच किसकी है, नहीं थे तात्पर्य यही था, 2 टूक है, ओके गौरव भाटिया, गौरव भाटिया बात समझिए, गौरव समाजवादी पार्टी जी, समाजवादी पार्टी बोलिए बोलिए बोलिए, पहली बार इस विषय में बोल रहे हैं आप, बोलिए समाजवादी पार्टी। हाँ 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 मैं बोल देता हूँ, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर अगर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, भाजपा वहां पे कहीं पे है नहीं, तो भाई किसके खिलाफ हमला बोलेगी, कांग्रेस के खिलाफ बोलेगी, क्योंकि वहां पे भाजपा को तो जनता ने नकार दिया है, मामा के झूठे मामा के असिमकार बी टीम पे आज अखिलेश जी कौन सी टीम हो गए, स्टॉप लगा दिया, गौरव भाटिया लेट गौरव भाटिया रिप्लाई, ना 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 अनफेयर अनफेयर, अब आप यू मेड यू पॉइंट, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया 40 सेकंड शार्प रिप्लाई, परसों तक जो 2% की बात थी वो आज 2 टूक हो गई है, अखिलेश जी की जुबानी हो गई है, बताइए। देखिए इनकी गलती नहीं है, मैं तो खुद ही सोच रहा था कि घमंडिया ने तो कहा था कि कुछ चैनल को बॉयकॉट करेंगे, और अगर आरएलडी घमंडिया का हिस्सा अभी भी है तो ये व्यक्ति चर्चा में बैठा कैसे है, इसका मतलब कि इनके जो लीडर हैं उन्होंने सोच लिया है। अरे भाई ये घमंडिया कौन है पहले तो ये बताओ, घमंडिया कौन है, गौरव भाटिया घमंडिया कौन है, घमंडिया क्या भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हो घमंडिया, या इंडिया गठबंधन को घमंडिया कह रहे हो, किसको घमंडिया कह रहे हो, शांत कराइए, नहीं नहीं गौरव भाटिया बताओ घमंडिया किसको कह रहे हो, शांत रहिए, नहीं नहीं गौरव भाटिया किसने आपके बीच में नहीं बोले, 30 सेकंड दीजिए, बताइए गौरव भाटिया कौन डांट रहा था आपको, और ये घमंडिया कौन है जरा ये भी तो बताओ, घमंडिया कौन है, अपनी पार्टी से नहीं दिए जाते हैं, महिला और यूथ के अंदर बुजुर्ग नहीं आते, बुजुर्ग नहीं आते तो घमंडिया वही है घमंडिया वही है जो जोशी जी का अपमान करते हैं, अरे ये 95 रुपए सब्सक्रिप्शन वाले, 95 रुपए सब्सक्रिप्शन से कमाने वाले एक्स के ऊपर मुझे बताएंगे कि कहां से आता हूं मैं, 95 रुपए सब्सक्रिप्शन से कमाने वाले ट्विटर के ऊपर ये मुझे बताएंगे, डायरिया की दवाई का तो खुद का रोजगार खतरे में है, ना पढ़ोगे ना लिखोगे, 95 रुपए का सब्सक्रिप्शन पॉलिसी खोली है इन्होंने, इसी के लिए कंटेंट बटोरने आते हैं डिबेट पे, ये कंटेंट पे डिबेट के कंटेंट पे 95 रुपए का कंटेंट बटोरने आते हैं, क्योंकि 95 रुपए का सब्सक्रिप्शन है भाई इनका, अपनी जांच तो करवा लो, ठीक है सारी जांच कराते हैं अभी, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया 40 सेकंड, देखिए मैं क्रमवार तरीके से कुछ बातें कहूंगा, मैंने पहली बात बता दी कि ये घमंडिया का हिस्सा शायद नहीं रहे तभी अब यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वरना इनको ये भी नहीं पता घमंडिया ने तय क्या किया था। दूसरी बात, इनकी राजनीतिक हैसियत है क्या आप मुझे बताइए, इनकी राजनीतिक हैसियत ये है लोकसभा में है, इनकी एक भी सीट नहीं है, और राज्यसभा में एक सीट है, वो भी भीख का कटोरा लेके गए थे तब आई थी। तीसरी बड़ी बात जो मैंने उठाई, ये लोग क्या भला करेंगे पिछड़े वर्ग का, इनकी पार्टी ने आज तक परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं देखा, यहां पे आके ज्ञान समझा रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा, अरे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बता रहे थे, गौरव भाटिया जी किस परिवार, कन्वीनर बना नहीं है, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं, अंडरस्टैंडिंग क्या है आप बताइए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया, कन्वीनर बन गया, सीट एडजस्टमेंट हो गया, रैली हो गई, नहीं अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं, उससे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बर्बाद होने का नुस्खा है, और ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी वंशवादी सांप्रदायिक राजनीति करने वाले एक ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है विवेक, विवेक नष्ट, जिसको आप जिसको आप टोटका कह रहे थे, जिसको आप फॉर्मूला कह रहे थे, जिसको आप एक्सपेरिमेंट कह रहे थे, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि वो बर्बाद होने का एक नुस्खा है, और बर्बादी के उस नुस्खे का एक अंजाम हम देख रहे हैं,
नहीं, मैं आपको, मैं 40 सेकंड चाहूंगा, 30 सेकंड मैं बता देता हूं, दो पॉइंटों पे बोलूंगा। पहला पॉइंट देखिए ये है कि हमारे देश के अंदर, स्टेट्स के अंदर बहुत बार पहले भी हुआ है पिछले 50-60 सालों में कि स्टेट्स के अंदर लेफ्ट कांग्रेस से लड़ा है, कुछ अन्य राज्यों में बाकी चीज़ें हुई हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति में सेकुलरिज्म को कायम करने के लिए सब एकजुट हुए हैं और केंद्र में सरकारें बनी हैं। तो अगर राज्यों के अंदर आज जो आपको डिसयूनिटी दिख रही है, इसको ऐसा ना एनालिसिस किया जाए कि जब 2024 के चुनाव होंगे तो वहां भी यही होगा, या जब तब सरकार बनाने का टाइम आएगा तो रिफ्लेक्ट होगी। और मैं ऐसे कई केसेस, आप, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो, बड़े सीनियर हैं आप अमीश, आपने खुद देखा है पहले ये चीजें हो चुकी है इस देश में। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, INDIE इज गोइंग वेरी बिल्कुल, आपने सही कहा, कमेटियां बनाई जा चुकी हैं मीडिया को लेकर के, तो जी जी जी, तो जो जो बात आपने बोली बिल्कुल, सरकारें बनी है लेकिन वो सरकारें चली कैसे है हमने वो भी देखा है, वो सरकारी चली कैसे है वो भी हमने देखा है। लेकिन असीम वकार, थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट याद करिए पिछले चुनाव, बिल्कुल वो सरकारें चली कैसे है, चाहे आईके गुजराल साहब की सरकार रही हो, चाहे देवेगौड़ा साहब की सरकार रही हो, चाहे वीपी सिंह जी की रही हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का फर्स्ट हाफ रहा हो या सेकंड हाफ रहा हो, हमने देखी है वो सरकारें कैसे चल रही है। अटल जी के हमने फर्स्ट हाफ को देखा है, सेकंड हाफ को देखा है कैसी सरकारें चली है, लेकिन खासतौर पर ये तीसरे चौथे मोर्चे की सरकारें कैसे चली है ये तो खास तौर पर देखा है, जो चल भी नहीं पाई है। मैं असीम वकार का रुख करता हूँ। असीम वकार, ये कहानी इतनी आसान है जितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि अखिलेश जी एक सीनियर नेता है और उत्तर प्रदेश सूबे के फॉर्मर CM है, वो एक बार ही नहीं कई बार कह चुके हैं, और कांग्रेस के कई सीनियर नेता क्या उनके बारे में बोल चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। 40 सेकंड शार्प रिप्लाई, यू आर द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आपने तो बड़े इल्जाम देखे, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, आज कौन किसकी टीम है? नहीं नहीं, देखिए मैं बताऊं आपसे, आपके चैनल पर इससे पहले भी मैं इस डिबेट पे दो बार रहा, मैंने तो इस बात की घोषणा कर दी थी जब ये गठबंधन बना था और बड़ा खुशनुमा माहौल में चल रहा था, तभी मैंने आपके यहाँ बैठकर कहा था ये बात। तो मैं इस पर, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं कि मैं इस पर टिप्पणी करूँ या इस पर बात करूँ बैठकर। मैं एक आपका ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बात होते हुए भारतीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का एक वीडियो डाला, वो देखा होगा आपने वीडियो, नरेंद्र तोमर जी का, अमीश भाई, मैं समझता हूँ बड़े पत्रकार हैं, बड़ा चैनल है, ईडी उसको क्यों नहीं देख रही है? एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा कि ईडी की नज़र उस पर नहीं पड़ी, हमने नहीं पड़ी थी ईडी को वो वीडियो दिखाया गया था, तो ईडी के चीफ कहने लगे बहुत दिन से तबीयत खराब है मेरी, कई दिन हो गए हैं मुझे आंखों से धुंधला दिखाई पड़ रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आप बेड रेस्ट कीजिए और जब तक के इस वीडियो पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई आदेश ना आए तब तक आप घर से बाहर ना निकलिए। ठीक है, जवाब जवाब गौरव भाटिया, जवाब गौरव भाटिया, जवाब। पहली बात तो सैयद वकार को ये पता होना चाहिए कि जिस तथाकथित वीडियो की वो बात कर रहे हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी का नहीं है। तो मैं आपत्ति भी दर्ज करता हूं और उम्मीद करता हूं जब इनकी बारी आएगी तो माफी मांगेंगे कि इन्होंने गलत तथ्य रखा। ये जो तथाकथित वीडियो आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो नरेंद्र सिंह तोमर जी का बेटा है, ये बताया जा रहा है। आपको मालूम है नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे ने स्वयं एक कंप्लेंट दी है और पुलिस ने उस पर FIR दर्ज करी है और कार्रवाई कर रहे हैं। हम सब जानते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसीलिए उनका डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट ये कर रहा है। लेकिन तब भी आपको कम से कम नाम लेते वक्त इतना ध्यान में रखना चाहिए कि उस वीडियो में क्या है, और एक मंत्री का नाम लेके आप ये कहें वो वीडियो आया है या आपत्तिजनक है, क्योंकि तथ्यात्मक तौर पे ये सही नहीं। सही कहा आपने कि उसमें उनका, मैं चैनल की तरफ से भी बोल दूं, नरेंद्र सिंह तोमर का वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो तथाकथित बताया जा रहा है उनके सुपुत्र का, लेकिन उसको लेकर भी एक पुलिस कंप्लेंट हुई है और बकायदा ये कहा गया कि AI मैन्युफैक्चर्ड वो वीडियो है। अभी उसकी जांच पड़ताल हो रही है, इसलिए ये जानकारी मैं दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं असीम वकार क्या जी सैयद वकार जी जी असीम वकार, 10 सेकंड मेक यू पॉइंट। देखिए मैंने साफ तौर पे, आप देखिएगा, मैंने चैनल पे कहा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ट्विटर पे वो वीडियो डाला जी, मैंने नाम लिया, मैंने कोई पुष्टि नहीं की,
मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने वो वीडियो डाला है। लेकिन अब बात वर्ल्ड कप की कर लेते हैं, आर पार में अब बात होगी सत्य और तथ्य की, और बात होगी क्रिकेट वर्ल्ड कप की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में संडे को एक सुपर मूवमेंट का दिन था, क्योंकि विराट कोहली ने संडे को अपने 35वें बर्थडे पर 49th सेंचुरी लगाई। पूरा देश उनकी इस कामयाबी का जश्न मना ही रहा था, लेकिन उनके और महान सचिन तेंदुलकर के बीच एक कंपैरिजन वाली होड़ शुरू करने का प्रयास हो गया, और तुलना की जा रही है कि सचिन तेंदुलकर ने 451 इनिंग्स में 49 सेंचुरीज लगाई थी, तो वहीं विराट कोहली ने 175 मैचेस के अंदर इनिंग्स को खेलकर 277वें मैच में ही 49th सेंचुरी लगाई। अब फैंस, एक्सपर्ट, क्रिटिक्स ये नापतोल कर रहे हैं कि दोनों में से महान कौन है, ऊपर कौन है और नीचे कौन है। कहा जा रहा है कि विराट ने काफी कम मैच खेलकर टारगेट हासिल किया, लिहाजा वो सचिन से ऊपर निकल गए हैं। व्यूअर्स, आज सत्य और तथ्यों के साथ आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी के फैन हैं तो लाजमी है कि आपका झुकाव उसकी तरफ होगा, लेकिन फैक्ट्स को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस वक्त सचिन तेंदुलकर ने खेलना शुरू किया था, उसे हम बॉलर्स का गोल्डन एरा कह सकते हैं। वेस्ट इंडीज के आग उगलने वाले बॉलर्स एम्ब्रोस, कर्टनी वॉल्श हो, या फिर पाकिस्तान के वसीम अकरम, वकार यूनिस, या फिर शोएब अख्तर जैसे क्लासिक स्विंग बॉलर्स हो, या फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के तेज पिचों पर गोली की तरह निकलती गेंदें, ऐसे दौर में बॉलर्स का दबदबा था, बल्लेबाजों पर 21 था। ये वो दौर था जब अंपायर्स के फैसलों पर सवाल उठते थे। कहा जाता था कि भारत जब विदेशों में खेलता है तो उसका सामना 11 से नहीं बल्कि 13 लोगों की टीम से होता है। ये वो दौर था जब तकनीक ना के बराबर थी, टीम को सुविधाएं नहीं मिलती थी, फिटनेस के बारे में कोई जागरूक नहीं था। और व्यूअर्स, ये वो दौर भी था जब सचिन तेंदुलकर के आउट होने का मतलब दर्शकों के लिए मैच का खत्म हो जाना था। लंबे वक्त तक ये दौर चलता रहा। सचिन सालों तक पूरे देश की उम्मीदों का भार अपने कंधों पर उठाते रहे। सौरव, युवराज, सहवाग, गौतम गंभीर के आने के बाद इस दौर में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। 1983 में कपिल देव के बाद 16 साल के सचिन ही थे जो भारत के युवाओं की वो उम्मीद बनकर क्रीज पर उतरे, जिसके बाद हमारे यंगस्टर्स सारे असंभव कामों को संभव बनाने पर यकीन कर पाए। उनमें से ही एक सितारा विराट कोहली। जिस उम्र में सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया, उसी उम्र में विराट कोहली ने सचिन को टीवी पर देखकर उनके जैसा स्पेशल बनने की ठान ली थी। विराट कोहली को करियर की शुरुआत में गर्म टेम्परामेंट के लिए जाना जाता था। तब क्रिटिक्स कहते थे कि अगर विराट ने फील्ड में अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया, उनका करियर भी इसी गुस्से की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन विराट ने साबित कर दिया कि वो वाकई महान सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इन आलोचनाओं को कभी ईगो का खेल नहीं बनाया और समझाया, लगातार खुद पर काम करते रहे। विराट कोहली ने खेल के साथ साथ अपनी फिटनेस पे इस लेवल को पहुंचा दिया कि शायद इस वक्त उन्हें दुनिया का सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब सारे क्रिटिक्स विराट को गर्म मिजाज का बताकर खारिज करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौर में महान सचिन तेंदुलकर ने एक भविष्यवाणी की थी। सुनिए। सचिन, क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको, तोड़ पाएगा? सीधे सीधे बोल देना, नहीं तोड़ पाएगा। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। विराट एंड रोहित आर द वंस। As long as कोई इंडियन तोड़ता है, यानी गुरु को पता था कि चेले की उड़ान कहां तक जाएगी। और अब सचिन ने के ठीक बगल में खड़े होने पर भी विराट कहते हैं कि सचिन जैसा महान कोई भी नहीं है, मैं कितने भी उनके रिकॉर्ड तोड़ दूं लेकिन मैं सचिन से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि विराट विराट है और सचिन महान है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।